The rescue operation is still going on past 12 hours as the mall has the glass construction and many plastic and cloth stores are operated, due to which fire is spreading all over the mall again. Early morning, second incident of the fire was reported in the Dreams Residency 4C Tower. The fire fighters are controlled over it still. Both the ways of the LBS road is jammed due to the rescue operation. लगभग रात को 12:30 बजे ड्रीम मॉल्स में ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था, वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है, आग तो नियंत्रण करने का काम चल रहा है। प्राथमिक तौर पे जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि ये आग लेवल 3 से लेवल 4 तक की है और लगभग 22 से 23 वाटर टैंक जो है वो कंट्रोल करने का, आग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हे जे उगणारा जेव्हापासून झालेला आहे ते जे फायर नॉर्म्सला पकडून काही कामं झालेली नाही आणि ही गोष्ट वेळोवेळी आम्ही पालिकेला सांगत आलो तरीही त्याच्यावर कानाडोळा झाला आहे, त्याचा परिणाम हा आज दिसत आहे। वी थँक मुंबई फायर ब्रिगेड अँड मुंबई पोलीस फॉर डुईंग द रिमार्केबल जॉब ऑफ हेल्पिंग सेव लाईव्स।